सांसद कौशल किशोर के साथ खास मुलाकात। जी हां, बीजेपी के मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर के साथ पांचवें चरण के चुनाव को लेकर हमने मुलाकात करके जाना कि वर्तमान में मतदाता का मूड क्या है। उन्होंने बताया कि पांचवें चरण का चुनाव 6 मई को होने वाला है। इस बार जनता प्रत्याशियों को भारी वोटों से विजय बनाकर संसद भवन भेजेगी। जिस तरीके से चौथे चरण का चुनाव जो है वो खत्म हो चुका है, अब बारी है पांचवें चरण की। पांचवें चरण में अगर देखा जाए तो काफ़ी कद्दावर नेता हैं, चाहे वो लखनऊ की सीट हो, चाहे अमेठी की हो और चाहे वो मोहनलालगंज की हो। लेकिन चर्चा आज हमारा जो है वो खास मुलाकात है सांसद जी से, जो वर्तमान में प्रत्याशी भी हैं भारतीय जनता पार्टी से। हम उनसे जानेंगे कि आखिर जिस तरीके से ये चुनाव चल रहा है, चुनाव का रणनीति चल रहा है, वो किस तरीके से जनता को अपनी तरफ खींचने का काम कर रहे हैं, और 2019 का जो पांचवें चरण में चुनाव होना है, आखिर वो इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर हम सांसद जी से जानेंगे। सांसद जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और सांसद जी, ये हम जानना चाहेंगे कि पाँचवें चरण में चुनाव है, उसमें आपकी भी बारी है, तो इसको देखते हुए आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आपकी क्या रणनीति है? ये चुनाव जो हो रहा है वो देश के प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव है। देश के सामने दो लोग हैं, एक माननीय नरेंद्र मोदी जी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और दूसरे राहुल गांधी। इन्हीं में से जनता को चुनना है कि कौन बनेगा मेरा प्रधानमंत्री, देश की बागडोर किसके हाथ में होगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 5 साल संसद रहे, वो प्रधानमंत्री रहे, और उसमें उन्होंने जो है देश के लिए बहुत कुछ किया। गरीबों को जिनके गैस सिलेंडर चूल्हा नहीं किया दे दिया, लोगों को बिजली दे दिया, मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दे दिया, गांव-गांव बिजली पहुंच गई। इसके अलावा लोगों को आवास, शौचालय, 5 लाख तक के मुफ्त में इलाज, और सबसे बड़ी बात किसानों को जो है जिनके पास ज़मीन थी थोड़ी भी, उन सब लोगों को किसान सम्मान के रूप में 6-6 हज़ार रुपये साल में देना शुरू किया, जिसकी 2-2 किस्तें भी 2-2 हज़ार की आ गई हैं, जिनकी नहीं आई आ भी जाएंगी। तो इस तरीके से जो है किसान भी खुशहाल है, लोग खुशहाल है, और जनता जो है एक पूरी तरीके से मूड बना चुकी है कि मोदी जी को फिर से हमको प्रधानमंत्री। मैं जनता काफ़ी आपके क्षेत्र में घूमा हूं और जनता की राय में मैं जनता की राय लेता रहता हूं। कसमंडी एक आपके ही क्षेत्र में आता है, वहां पर हमने जब घूमा और वहां जनता की राय लिया तो वहां के लोग तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी तो अच्छा ही काम कर रहे हैं लेकिन सांसद जी इधर आए नहीं कभी, इस तरीके से उनकी शिकायतें हैं, और कहते हैं उन्होंने विकास भी नहीं किया, इस तरीके से दावा कर रहे हैं वहाँ के लोग, तो उस पर कुछ कहेंगे? झूठ बोल रहे हैं वो लोग, विपक्ष के लोग होंगे। मैं तो अक्सर उधर से ही मेरा निकलना ही होता है, जब मैं माल वगैरह के इलाके में जाता हूँ, बैठकें होती, मीटिंगें होती, जहाँ तक लोगों का काम रहा, मेरे यहाँ तो एक जन अदालत पूरी लगती है जब भी मैं रहता हूँ, और डेली 400-500 लोग आते हैं, उनकी समस्याएं निपटारा करने का काम करता हूँ। बिल्कुल, आप एक सांसद हैं तो जाहिर सी बात है गांव-गांव नहीं जा सकते हैं, और लेकिन अगर आपका दौरा हुआ तो आप जाएंगे, लेकिन वहां का विकास पर आप कुछ कहेंगे? देखिए, डेवलपमेंट तो बड़ी तेज़ी से हर चीज़ों में हो रहा है। गांव के अंदर का जो डेवलपमेंट है वो प्रधानों के द्वारा किया जाता है, और उसका पैसा मोदी जी की सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा देने का काम किया। यहाँ अलग से सांसद के द्वारा डेवलपमेंट, तो मलिहाबाद में एक मेडिकल कॉलेज मंजूर कराया, 100 बेड का हॉस्पिटल मंजूर कराया, लखनऊ से लेके शाहजहाँपुर तक के 4 लाइन का रोड मंजूर कराई, जो काम शुरू हो गया, राष्ट्रीय राजमार्ग इसी तरीके से सुल्तानपुर वाली रोड पे शुरू हो गया, और लखनऊ के चारों तरफ एक किसान प्रतिबंध रहा जिसको माननीय राजनाथ जी ने पास कराया, तो सारा का सारा हमारे क्षेत्र में ही ये कार्य होगा। सपा बसपा के गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं सीएल वर्मा, उनका कहना है कि 8 करोड़ रुपए सांसद निधि का सांसद ने वापस कर दिया, तो आखिर वो डेवलप करेंगे कैसे जब वो पैसा वापस कर देंगे? तो सीएल वर्मा को तो इस बात का संज्ञान नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं कि 8 करोड़ वापस कर लिया। मेरा 25 करोड़ निधि जो आती है उसमें 26,73,000 ब्याज भी मिल गया था। मैंने पूरा 25,26,73,000 रुपये खर्च किए, 3,500 हैंडपाइप, 3,500 सोलर लाइट, कुछ सड़कें, कुछ पुलिया, इस तरह का सब निर्माण कराने का काम किया। उनको इस संबंध में ज्ञान नहीं है, वो केवल फर्जी और झूठ बोल करके गलत अफवाह मेरे बारे में चलाने का काम किया। जिस तरीके से चुनाव करीब है और करीब को देखते हुए आप अपने आगे चुनौती चौधरी हों या सीएल वर्मा हों, किसको आप चुनौती में मानते हैं? कोई चुनौती नहीं है, मोदी जी की सरकार बनाने के लिए जनता पूरा मूड बना चुकी है, और 2 नंबर और 3रे नंबर की लड़ाई आर के चौधरी और सीएल वर्मा।
अच्छा, दो नंबर में आर के चौधरी और सी एल वर्मा में है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इससे पहले तो आप सांसद रहे ही हैं, लेकिन अगर आप फिर जीत कर आते हैं तो कुछ ना कुछ तो जनता के लिए सोचा ही होगा, ऐसा क्या सोचा है आपने? मैं 5 साल लोगों की जेब का सांसद बन के रहा और फिर मैं चाहता हूँ कि लोगों की जेब का ही सांसद बन कर के रहूँ। आगे के लिए कुछ लड़कियों के लिए स्कूल और बनाने हैं, कुछ जगह हॉस्पिटल क्षेत्र में बनाने हैं, जिसकी वजह से उन लोगों का इलाज के लिए और पढ़ाई के लिए ये ज़रूरी चीज़ें कुछ रह गई हैं जिनको पूरा करने का काम। चाहे वो आर के चौधरी हों या सी एल वर्मा हों, सारे लोग दावा कर रहे हैं कि हम अपनी ही सीट नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं, तो इस पर आप कुछ? उनके दावे को मैं क्या कह सकता हूँ। सच है कि पिछले बार 73 सीटें बीजेपी जीती थी और इस बार जो अंडर करेंट है हम 74 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। यहाँ तक कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार सकते हैं और रायबरेली में वोटरों को पैसा बांटने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है हमें उम्मीद है कि रायबरेली से भी हम जीतने का काम। लेकिन अगर आप बरेली जीतने की बात कर रहे हैं या अमेठी जीतने की बात कर रहे हैं तो आपको शायद पता हो कि वही क्षेत्र है जहां पर राहुल गांधी के जनसभा से आवाज़ आती है कि चौकीदार चोर हैं, इस तरीके से नारा लगते हैं, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको फटकार लग जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो प्री प्लान्ड करके जो है राहुल गांधी के समर्थकों ने कुछ पैसे दे करके लोगों से बुलवाना शुरू किया, वरना जनता की तरफ से आवाज़ नहीं आती है कि चौकीदार चोर है, बल्कि जनता की तरफ से राहुल गांधी की मीटिंगों में, दूसरे पार्टी के जो विपक्ष के लोग हैं उनकी मीटिंगों में जब वो शुरू करते हैं तो जनता की तरफ से मोदी 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 आवाज़ आती है। हमारे इस चैनल के माध्यम से क्या आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं जनता के प्रति के कुछ? मैं आप सबसे चाहता हूँ कि मोदी जी ने सबको कुछ ना कुछ देने का काम किया। मोदी जी इस हिंदुस्तान को दुनिया में नंबर 1 पे ले जाना चाहते हैं, आतंकवाद का सफाया करना चाहते हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं और कश्मीर की समस्या का निदान करना चाहते हैं। इसलिए मेरी सबसे अपील है इस देश को बचाने के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए और मोदी जी को वोट दे करके इस देश को दुनिया में नंबर 1 पे ले जाने में मदद करने का काम। बिल्कुल, ये थे लखनऊ मोहनलालगंज के प्रत्याशी और सांसद जो अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से रख रहे थे, लेकिन सारे प्रत्याशियों का यही एक दावा है कि अब की बार मैं ही जीत रहा हूं, लेकिन ये तो वक्त बताएगा 23 मई को कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ये तय करेगा 23 मई को, जनता तय करेगी कौन जीत रहा है। फिलहाल में आप देखते रहें दानिश इंडिया, कैमरामैन सुलेमान के साथ मैं मोहम्मद जैफ, दानिश इंडिया, लखनऊ।